नमस्कार, मैं गौरव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। तो टीवी से जुड़ी और ज़्यादा जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूएल गुप्ता, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं टीवी और ब्रुसुल्ला के। तो हम डॉक्टर यूएल गुप्ता से जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे टीवी से जुड़ी और ज़्यादा जानकारियाँ क्या हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या पशुओं से भी मनुष्यों को टीवी हो सकती है? जो बीमारियां पशुओं से और मनुष्यों में या मनुष्यों से पशुओं में होती हैं, उनको हम लोग जूनोटिक इम्पोर्टेंस की डिस्कस करते हैं। जूनोटिक मतलब जो पशु से जानवरों में, सॉरी मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में होती है, तो टीबी भी उनमें से एक बीमारी है जो जूनोटिक इम्पोर्टेंस की है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी पशु टीबी से ग्रसित है और उसका दूध का कंजम्पशन अगर जो है वो मनुष्यों द्वारा रॉ मिल्क यूज़ किया था बिना बॉयल किए हुए, तो ये मनुष्यों में भी हो जाती है। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर पशु टीबी से पीड़ित है तो उससे मनुष्य में भी टीबी हो सकती है, तो आपने ये चीज़ तो बताई कि दूध के द्वारा, इसके अलावा और कौन कौन से साधन हैं जिनसे पशुओं के थ्रू मनुष्य को टीबी हो सकती है? पशुओं में मेनली तो सोर्स मिल्क है ही है, बट अगर इसमें कई फॉर्म होते हैं टीबी के, तो इसमें अगर पल्मोनरी फॉर्म है जिसमें लंग्स में टीबी होती है, और अगर किसी एडवांस स्टेज में जानवरों को खांसी आने लगती है, तो ये एयर सॉल जो है वो स्प्रेड होता है मनुष्यों में, और मनुष्यों में भी ऐसे होता है। अगर किसी मनुष्य में पल्मोनरी फॉर्म है जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन होता है टीबी का, और अगर वो खांसने लगता है, तो जो अगर उसके पास में बैठा होगा उसको भी स्प्रेड होती है। तो ये भी एक थ्रू एयर भी जो है एक मोड है इसका ट्रांसमिशन का जो है वो कौन कौन। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पशुओं से मनुष्यों को टीबी से बचाया जा सकता है? बेसिकली मनुष्यों में तो वैक्सीनेशन होता है, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स लार्ज एनिमल्स में उसमें एक इशू है, तो उसके लिए हम लोग जो पशुओं में करते हैं डिटेक्शन का एक मेथड है जिसमें हम लोग ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट लगा के डिटेक्शन करते हैं, और जो एनिमल्स हमारे डिटेक्ट होते हैं अगर ये ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव है, तो उनको हम सेग्रीगेट करते हैं, वो अलग से उनको करते हैं ताकि उसमें मनुष्यों में एक्सपोजर ना हो। एक ये हमारे पास जो अभी तक सबसे बड़ा तरीका है, और इसी से हम उसको थोड़ा सा सेग्रीगेशन करके हुए और मनुष्यों में स्प्रेड से बचाते हैं जो एनिमल्स पॉजिटिव पाए जाते हैं। जानवरों को, मनुष्यों द्वारा जानवरों को कैसे टीबी से बचाना है, इसके लिए कोई जो उपाय, मतलब एक तो आम तौर पर होते हैं, उसके अलावा कुछ अलग उपाय जो किए जाते हों जानवरों को मनुष्यों से टीबी होने से बचाने के लिए? उसमें कई स्टेप हैं। पहले तो हम लोग पशुओं में एक डिटेक्शन करते हैं, उसके लिए एक ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट होता है, उसके द्वारा हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं जिन एनिमल्स में पॉजिटिव है, तो उनको हम अलग करा देते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरे, अगर ये टेस्ट नहीं हो रहा है और नॉर्मली विदाउट टेस्ट कोई पशु के संपर्क हम आते हैं, तो विशेष तौर पे जो हमने दूध की बात कही, तो दूध को ये कहा गया कि कम से कम जो है वो बॉयल करने 15 से 20 मिनट जो है आप उसको बॉयल कर लेते हैं, तो जो उसके टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं और वो दूसरे इन्फेक्शन मनुष्य में। डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जो पशुपालन विभाग द्वारा टीबी ब्रुसेलोसिस जॉनसन यूनिट चलाया जाता है, वो क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली जो पशुपालन निदेशालय में जो यूनिट है, उसको अभी तो जो हमारे ऑर्गेनाइज फार्म्स हैं या जो पशुपालक के पास बहुत संख्या में जानवर अच्छी क्वालिटी के रखे हुए हैं, वहाँ पे हम इसको चला रहे हैं, और भविष्य में इसको हम ऑन डिमांड भी करेंगे कि अगर किसी के पास में चार अच्छे जानवर हैं और वो अगर इच्छुक है, कहीं इसको संदेह है, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में है, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के फॉर्म्स हैं या जो फार्मर्स 20-2500 जानवर पाले हुए और वो संपर्क करते हैं, तो वहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं, टीबी की है, ब्रुसेलोसिस की है और पैराट्यूबरकुलोसिस की है, टेस्टिंग करते हैं।